डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज एनी ट्रेन इंटर्स ब्लॉक सेक्शन विदाउट एटीपी, विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड और विद रॉन्ग एटीपी, देन व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय लोको पायलट एंड गार्ड। यदि कोई गाड़ी बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाती है या गलत प्रस्थान प्राधिकार के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है तो हमें क्या करना चाहिए। सो, इसमें जैसे ही लोको पायलट को ये पता लगे, एज सून एज लोको पायलट कम्स टू नो दैट ही हैज इंटर्ड ब्लॉक सेक्शन विदाउट एटीपी, देन ही शुड स्टॉप द ट्रेन। He will stop the train. And now that message should be sent to the nearest station master. जो सबसे नजदीक स्टेशन है वहां पे हमें रिटर्न मेमो भेजना चाहिए। पुराने टाइम में तो असिस्टेंट गार्ड रहते थे, ब्रेक मैन रहते थे, बट एट प्रेजेंट असिस्टेंट गार्ड इज नॉट देयर। सो लोको पायलट कैन सेंड ALP असिस्टेंट लोको पायलट विथ रिटन मेमो टू द नियरेस्ट स्टेशन मास्टर। सपोज पिछला स्टेशन नजदीक है, रियर स्टेशन इज नियर बाई, देन असिस्टेंट विल गो टू रियर स्टेशन मास्टर एंड स्टेशन मास्टर ही विल इन्फॉर्म, ही विल गिव मैसेज टू एडवांस एसएम को इसके बारे में सूचना देगा एंड ही विल टेक प्राइवेट नंबर फ्रॉम एडवांस स्टेशन मास्टर एंड ही विल प्रिपेयर PLCT पेपर लाइन क्लियर टिकट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अप डायरेक्शन है तो TBC 1425, डाउन डायरेक्शन है तो TBD 1425, और ये PLCT तैयार करके असिस्टेंट लोको पायलट के हाथ से भेज दिया जाएगा एंड ट्रेन कैन स्टार्ट नॉर्मली। सेकेंड थिंग, सपोज एडवांस स्टेशन इज नियर बाई, देन असिस्टेंट लोको पायलट, हमारा सहायक लोको पायलट नज़दीक का स्टेशन अगला स्टेशन है तो वहाँ पर जाएगा मेमो के साथ, तो अगला स्टेशन मास्टर ही विल इन्फॉर्म टू रियर एसएम। सो एडवांस स्टेशन मास्टर ही विल इन्फॉर्म टू रियर एसएम एंड आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन एडवांस स्टेशन मास्टर ही विल इशू कॉशन ऑर्डर बिकॉज एडवांस एसएम कैन नॉट इशू PLCT फॉर द रियर ट्रेन्स। सो दैट्स व्हाई ही विल इशू कॉशन ऑर्डर। कॉशन ऑर्डर में व्हाट ही विल राइट दैट फ्रॉम स्टेशन मास्टर सो एंड सो टू लोको पायलट ऑफ ट्रेन नंबर सो एंड सो, यू आर परमिटेड टू अप्रोच टू माई स्टेशन। अपना स्टेशन का नाम लिखेगा और लिखेगा कि आप हमारे स्टेशन में आने के लिए परमिटेड है। ऑब्जर्व द आस्पेक्ट ऑफ द रिसेप्शन सिग्नल, आप रिसेप्शन सिग्नल को ऑब्जर्व करते हुए आने के लिए परमिटेड है। ओके, एंड हियर फॉर प्रैक्टिकल पर्पज आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई कि लोको पायलट लोगों को क्लेरिफिकेशन के लिए कि भले ही रेगुलराइज करने के लिए PLCT दिया गया है रियर एसएम के द्वारा या एडवांस एसएम ने कॉशन ऑर्डर देके परमिशन दिया है, लेकिन यदि स्पैड केस है सिग्नल पासिंग एट ऑन, स्टॉप सिग्नल पासिंग एट ऑन का केस है तो पूरा इंक्वायरी होगा, ऑल द अदर प्रोसीजर्स विल फॉलो। उसका मीनिंग ये नहीं है, उसका मीनिंग ये है कि हाउ टू क्लियर द ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन कैसे क्लियर किया जाएगा उसका प्रोसीजर दिया है। ऐसा नहीं कि स्पैड की कार्यवाही खत्म हो जाएगी, स्पैड का कार्यवाही तो होगा ही, इंक्वायरी होगी कि किन परिस्थितियों में लोको पायलट बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश किया है। टोकन एरिया में सपोज करो लोको पायलट हैज लॉस्ट द टोकन, इन दैट केस ओनली इट इज परमिटेड दैट लोको पायलट ही विल गिव मैसेज
on any communication and he can continue journey. After going to the station, then he will give written memo to the loco pilot about the loss of the token. I think this point you have understood. So normally this it is not happening, it is a very rare case, but exam mein kabhi kabhi this bits question they are asking ki train entered block section without ATP, ALP goes with memo to rear station, then what will be issued by rear station master, or if ALP with memo is going to advance SM, then what is issued by advance SM. So for that purpose we should keep in mind. I think you have understood the topic. In case of any doubt, please ask in the comment box. I will reply you. Thank you so much for the watching. Please like the video, subscribe and share with your friends. Thank you.